में आसपास के जिलों से आने वाले संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस जांच के लिए अलग लैब बनाई गई है। इसके साथ ही पैरामेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम को भी आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज के पास बने लाइफ लाइन चिरंजीव हॉस्पिटल का DM आंध्रा बांसी ने जायजा लिया और साथ ही वहाँ की व्यवस्थाएं देखी और उन्हें कई निर्देश भी दिए। नगर में हमारे मेडिकल कॉलेज रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अलावा हमारे बड़ा गांव CHC के अलावा L1 कैटेगरी में हमारे लाइफ लाइन की प्राइवेट हॉस्पिटल और चिरंजीवी हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल्स की हम लोग कोविड सर्विसेज के लिए स्टैंड बाय पर रखे थे। और जैसे कोविड पॉजिटिव सस्पेक्ट जो भी है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स 3 लोग निकल के आए थे। ये तीनों की तो भर्ती बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पे ही होगा, मतलब रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल हॉस्पिटल पे होगा। लेकिन इस बीच में जो उस इलाके पे जितने भी लोगों को जो सैंपल्स लेना है, उनको टेस्टिंग करना है और उन लोगों को मेडिकल क्वारंटाइन पर रखना है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर रखना है, उनके लिए तो लाइफलाइन हॉस्पिटल और चिरंजीवी हॉस्पिटल के माध्यम से तो सर्विसेज ऑफर किया जा रहा, जो सरकार के लिए और सरकार के हित में एक अच्छे प्रणाली। और स्पीच वक्त छोटे